सब तो आधा लोग राजदे से ट्रेन लेके गया, वहां जाकर के हाल के दिनों में धर्म परिवर्तन किए, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से गठबंधन बदला है तब से इस बात की चर्चा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में स्टेबल क्यों नहीं थी। तो अब खबर यह सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से अब राजद के साथ नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, तो भाजपा नीतीश के खिलाफ पूरे बिहार में घूम घूम कर प्रचार कर रही है। प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में जब धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो ही चुकी है, तो अब एक बार फिर से बड़ा बयान निकलकर सामने आया है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति यादव का। शक्ति यादव ने बताया है कि वो कौन से लोग भारतीय जनता पार्टी में आज भी बैठे हुए हैं जो लालू प्रसाद यादव के एजेंट हैं। उन्होंने कहा है कि जिनका बचपन और जवानी राजद में ही बीता है वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित कई नेताओं को टारगेट किया है। बताया है कि ये लालू प्रसाद यादव के साथ रहे हैं, बचपन और जवानी राष्ट्रीय जनता दल में ही गुजरा है और अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सुनिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति यादव का यह बयान, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई अन्य लोग भी हैं और कई नए नामों का खुलासा भी शक्ति यादव ने किया है। भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आरक्षण विरोधी, चोर मचावे सो रहे भारतीय जनता पार्टी के चल रहा है जोर। लेकिन बिहार के अंदर में सब लोग जानते हैं कि भाजपा से कोई अगर अपेक्षा करती है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब के समर्थन में आ जाए, पिछड़ों के समर्थन में आ जाए, तो कतई संभव नहीं। जिनकी प्रस्तावना, जिनके हिडन एजेंडा, जिन संगठनों के माध्यम से चलता है देश के अंदर में, वही गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी है भैया, उससे क्या अपेक्षा। ये तो चोर मचावे शोर भाजपा। अरे यही व्यवस्था थी ना भाई, एक बात आप जान लीजिए, इसी व्यवस्था के तहत पूरे बिहार में चुनाव होते रहे पंचायतों के, नगर निकायों के। आज कौन सी ऐसी आफत आ गई, कौन सा माध्यम आपने चुन लिया प्रोत्साहन वितरण के माध्यम से, नगर निकायों पर आपने अंकुश लगाने की कोशिश की, तो कोई बिहार चुप चुप बैठेगा क्या। भाजपा भारत जलाओ पार्टी है, गरीब जलाओ पार्टी है। इनको देश से न मतलब है, न गरीब से मतलब, न है आरक्षण से मतलब ही नहीं है। तब तो इन्होंने सारे सेक्टरों को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिए, सबसे बड़े बड़े नियोक्ता थे जो बेरोजगारी को दूर करता था। इनसे क्या अपेक्षा है, कौन क्या बोल रहा है, बैठ करके चिल्ला रहा है, इन लोग विधवा विलाप कर रहा नहीं मालूम है आप लोग। इस सब तो आधा लोग राजदे से ट्रेन लेके गया है, हम नाम लेना नहीं चाहते, जिनका जिनका लड़कपन भी ही है बीता, जवानी भी ही है हुआ, वहाँ जा करके हाल के दिनों में धर्म परिवर्तन किए, उनसे क्या आप अपेक्षा रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386